भी हम लोगों ने इस विषय पर डिबेट की है। मैं इसे किसी भी राज्य का एक बहुत अच्छा शानदार स्टार्टअप के रूप में कहूंगा कि कैसे हम वेस्टेज से उसको यूजफुल उसको बनाए और कैसे हम अपने आर्थिक नीतियों को और सहेजे और आर्थिक लोगों का उत्थान हो सके इस पे पूरे के पूरा सम्भाव डिफरेंट। ठीक है, क्रियान्वयन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, मगर हम योजना की जहां तक बात करें कि योजना जो है बहुत अच्छा स्टार्टअप है और अच्छा प्रयास किया गया था भूपेश बघेल के द्वारा। बहुत अच्छी कोशिश की गई शुरुआती दौर में, बहुत अच्छा चला, बहुत लोगों पर जो सोसाइटियों में महिला समूह में जिस तरीके से पैसे पहुंचे, निचले स्तर तक पैसे पहुंचे, और एक उसका जो मूल उद्देश्य है वो था कि किसी भी राज्य को जैविक बनाना और केमिकल मुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश कहने की। इसको आपने देखिए कि अन्य राज्यों ने भी अपनाया जो कांग्रेस शासित नहीं है, उन्होंने भी वादे किए हैं। आप देखिए कि इसकी बातें का यूपी में भी इस बात को उठा है, यूपी में भी इन चीजों पर चर्चा हुई है। तो ऐसा नहीं कि वो एक प्रदेश की बात है, तो खैर जो हमारा छत्तीसगढ़ देख ले, राजस्थान देख ले, कांग्रेस दोनों जगह कांग्रेस है, तो जाहिर सी बात है कि जो वादे है जो इनकी सेंट्रल टीम जिसपे उनका जिनपे बहुत फोकस रहती है, तो सेंट्रल टीम की तरफ से जो अच्छी चीजें हैं वो निश्चित तौर पर सब तरफ वितरित होगी या उनके घोषणा पत्र में वो लाया जाएगा। वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो जहां वो जिस पोजीशन में है उन्होंने कोशिश की है। आप देखिए बहुत सारी चीजें आपने देखी कि शिक्षा को लेकर देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट को लेकर देख लीजिए, गोबर को लेकर देख लीजिए, गैस सिलेंडर को लेकर देख लीजिए कि अमूमन देखेंगे कि अब ये सब चीजें जितनी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि वो लगभग लगभग राजस्थान छत्तीसगढ़ में मोटा मोटी सेम है आप सिचुएशन। और एक चीज और कि वहां की सिचुएशन, वहां की चीजें भी आप याद कीजिए कि 500 रुपए पे सिलेंडर की बात पहले राजस्थान ने की थी, छत्तीसगढ़ के पहले, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पहले, तो वो बातें छत्तीसगढ़ में लाई गई, उसका फायदा छत्तीसगढ़ को निश्चित तौर पर मिल रहा है। तो ये चीजें आदान प्रदान एक ही पार्टी के लोग करते हैं और अच्छी योजना और अच्छे मंशा से अगर इसको किया जाए तो निश्चित तौर पर